और हम लोगों का एक बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डीके बल्टन मेरे फैमिली को, कि हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया है भाई। 29 जून को ये हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया था भाई। चेक करो हमारे तौलिया में क्या क्या लग गया है, ये सारा कुछ लग गया है ना, पूरा एक नंबर लग रहा है भाई अपना तौलिया, ये देखो और वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ इंसान, अरे बाप रे पोल के ऊपर कुलाई, मतलब नहीं पता क्या तो कुछ नहीं आता बस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कुछ भी नहीं आता, सांस लेना भी नहीं आता। कैसा लगा? अरे भाई बहुत नर्दी जा रहा है यार, गला फट जा रहा है। बड़ा बूथ में हम आज निकले बेटा, तोरला हास तोरला हास। Let's boom bangers. Ezan, the best cousin. फिलहाल आज है भाई 5 जुलाई और हम लोगों का एक बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डीके बल्टन मेरे फैमिली को, कि हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया है भाई। 29 जून को ये हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया था भाई, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनिए भाई, सबसे पहले हम लोग अंदर आते वरना मम्मा मेरी बहुत मारेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीमार पड़ चुका हूँ, शायद बहुत पानी में भीगने की वजह से। तो भाई मैं बता रहा हूँ 2 साल से भी ऊपर हो चुके, लगभग 3 साल होने वाले, और हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया है। बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल डीके बल्टन, एंड थैंक यू सो मच, दिल से मोहब्बत है आप सभी को, ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहना भाई, क्योंकि हम लोगों को थार भी बहुत जल्दी लाना है अपने धनतेरस को 29 अक्टूबर 2024 को। एंड हाँ भाई, अभी मेरा वो भी चल रहा है काठमांडू का वोटिंग वाला, आप लोगों को शायद पता होगा मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग रैप बैटल नेपाल दिव्यांश ऐसे करके सर्च कर देना, उस पर जाके वोट दो, प्यार दो, और सिलेक्शन हो गया तो फिर हम लोग जाएंगे वापस काठमांडू, वो आप लोग वीडियो देख लेना और प्लीज़ वोट देना, ठीक है? क्योंकि 26 जुलाई को लास्ट उसका डेडलाइन है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब लोग जाके प्यार देना भाई, वोट देना प्लीज यार, टीवी रियलिटी शो में पहुंच जाओ, अब मुझे पता है यार ट्रॉफी लेकर आएंगे आप लोग, प्यार दोगे ही वोट दोगे, ठीक है दे देना। और अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ भाई, इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बिकॉज भाई इतना ज़्यादा घर पे टेंशन था, स्ट्रेस था, क्योंकि मेरा स्कूटी ख़राब हो गया था, इधर उधर घर का बड़ा लड़का, उसके बहुत ज़्यादा काम जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ, भले स्कूल छोड़ दिया हूँ, कॉलेज वॉलेज छोड़ दिया हूँ, जॉब अब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत काम करता हूँ यार मैं, आप लोग शायद नहीं जान पाओगे। स्कूटी मेरा खराब हो गया था, उसको मैं नौगढ़ 4-5-6 दिन लगभग कंटिन्यू दौड़ा के लेकर गया, कंपनी वाला बहुत ज़्यादा घटिया है यार, क्या बताऊँ, सर्विस इतना घटिया दिया है, स्कूटी बढ़िया है लेकिन घटिया कंपनी है, सर्विस उसका कंपनी बहुत बेकार है, हीरो कंपनी का नौगढ़ में जो सुमन मोटर से, क्या ही बताओ यार, नहीं अच्छा लगा मुझे, सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल अभी सही है स्कूटी भाई, जैसे तैसे उसका बॉडी पार्ट वगैरह से निकला क्या है फिर भी, लेकिन चला जाता है बीच बीच में। तो अभी भाई आप लोगों को यही हैप्पीनेस देना था, चैनल मोनेटाइज हो गया है भाई, और चलते हैं छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा मैं, अभी बारिश हो रही है, बारिश में चलते हैं घूमते हैं, और हाँ हम लोगों को एक स्टूडियो में भी जाना है, यहाँ पे हमारे तोलिया में स्टूडियो खुला है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फटाफट, आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बहुत जल्दी 3K पहुंचाओ, ठीक है? लेट्स बूम बैंगर्स। तो चलो चलते हैं मालिक को, आप लोगों को भी पानी में बरसात में घुमाते हैं, मैं तो दिन भर वैसे ही घूमता रहता हूँ। और ये देखो हमारे स्कूटी में मतलब बॉडी का चेंजेस हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था ना, आप लोगों को बताया था कि नहीं, भूल गया शायद, नहीं बताया था, तो हम लोगों का स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था अंकल का, तो ये देखो ये पार्ट मतलब चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा नाम था दिव्यांश कसौदन अपने चैनल का ऐसे ही, लेकिन वो चेंज हो गया, आगे का ये सारा भी पार्ट्स चेंज हो गया है, देख लो बहुत ज़्यादा ये सब खड़बड़ा हो गया था, तो सब कुछ चेंजेज हो गए, एकदम स्कूटी डिट एकदम बढ़िया बन गया है, हल्का सा ने टूटने लगाया था, वही बोल रहा हूँ ना, सर्विस अच्छा नहीं दिया था, तो फिर से एक दिन चलेंगे, तो उस दिन भी ब्लॉग बनाएंगे, मजा आएगा, चलते हैं अभी बारिश में, आप लोगों को भी घुमाते हैं, पूरा तौले हवा दिखाते हैं हमारा भीगा। चलो भैया आ गए अपने सस्ता मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, मतलब एक हाथ मेरा यहाँ है, एक हाथ कैमरा पकड़ा हूँ, वैसे कोई गोप्रो ओप्रो नहीं है भाई, क्या करूँ, गरीब इंसान भाई, चलो निकलते हैं भाई सफर पे, ऐसे ही हल्का फुल्का दिखाऊंगा, ठीक है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा यार, आराम से चलाऊँ, आगे चल के दिखाता हूँ, पिछली बार जहाँ पे हम लोग वो लगवाए थे स्टिकर वहीं पे लगवाएंगे, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, फील्ड के पास हम लोग लगवाए थे, आप लोगों को याद है कि नहीं, यार रेगुलर ब्लॉग्स देखा करो भाई लोग, बहुत बहुत ऊपर लेवल से मजा आना है क्या, आपका भाई पूरा काठमांडू तहलका मचा के आ गया था, आप लोग परफॉर्मेंस वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट में भी बता देना भाई। और ये मौसम ये देखो, अपना फोन उन सब बिगा के आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, बीमार पड़ जाऊंगे इसका फिक्र नहीं है, क्योंकि आप लोगों को देना है कंटेंट ना भाई, अरे चाचा ये देखो हम लोगों का चौक बाजार में पूरा गीला गीला हुआ है, कोई दिख नहीं रहा, ज्यादा भीड़ नहीं है, आज शुक्रवार है। ओ किस्सा वशब
क्या बोलती कंपनी। एंड ये चेक करो हमारे तौलिया में क्या क्या लग गया है, ये सारा कुछ लग गया है ना, पूरा एक नंबर लग रहा है भाई अपना तौलिया वहाँ, ये देखो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। अभी घूमी घूमी नहीं, पहले काम कर लेते हैं उसके बाद घूमी घूमी चलेंगे। मजा आ रहा है भाई, अभी तो फिलहाल हल्का सा गले में खराश है भाई, इसमें थोड़ा डर लग रहा है पानी में जाने से, मम्मी बोलेंगी। थोड़ा जुकाम उकाम हो गया है मेरे को हल्का सा गाइस, पूरा तो उन्हें वहाँ चेंजेज हो रहा है। वो देखो साइड साइड में पोल में वहाँ पर वो सब चल रहा है, स्क्रीनिंग चल रहा है, और आगे देखो वहाँ पे वो जो बड़ा सा पोल दिख रहा है वहाँ पर नेपाल का झंडा लगा है। फिलहाल तो भीगने की वजह से वो हो गया है। स्टूडियो में सागर परियार भैया होंगे, तो चलते हैं। ये अभी एक दो हफ्ते हुआ है लगभग इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वहाँ ऊपर है देख सकते हो आप लोग, चलते हैं। पूरा पानी पानी है। ओके ठीक है बर्डन, मैंने यहाँ पे उतार दिया, ये देखो। और अंदर जाने में थोड़ा शर्म लग रहा है, देखो यहाँ से पूरा नजारा, एंड दिस इज द तौलिया, और वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ है इंसान, अरे बाप रे, पोल के ऊपर बना रहे भाई, ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। सैल्यूट है भाई, चलो चलते हैं अंदर भाई। अच्छा देखते हैं, हेलो क्या बात है, क्या हाल और सरकार ओके ठीक है बल्टन, आज 11 जुलाई, उस दिन स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज भाई हम लोग जा रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए नवाब के नाती। और भाई इस गाने का मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा था, तो सबसे पहले हमारे शिवा ने भाई बता दिया कि डीके बल्टन के शिवा सिंह ब्लॉग्स, आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया भाई, हमारे नेक्स्ट सॉन्ग को स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो स्पेशल थैंक्स शिवा सिंह ब्लॉग्स भाई, थैंक यू सो मच मेरा भाई, दिल से वहाँ पर डीके बल्टन के मेंबर है भाई, इन्होंने हमारा नेक्स्ट सॉन्ग स्पॉन्सर किया, ठीक है। और कितना किया है मैं ये सब नहीं बता सकता हूँ, बस अभी चलते हैं हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए, फिलहाल थोड़ा काम से आया हूँ भाई, देख सकते हो हल्का फुल्का माहौल। थैंक यू सो मच, दिल से मोहब्बत। शाम का बज रहा है 7, अभी को हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो भाई, ज्यादा दूर जाना नहीं, अपने तौलिया में स्टूडियो बन गया तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, पहली बार जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। उससे पहले अपने मैं फ्रेंड को जा रहा हूँ आने के लिए, अपने दोस्त रैपर भाई, अपना यार कल्चर है भाई, जब स्टूडियो में और भी रैपर रहेंगे तो मजा आएगा ना, क्योंकि बहुत तड़कता भड़कता है, एकदम औदी गैंगस्टर सॉन्ग है, नवाब की नाती जरूर सुनना, ठीक है, गैंगस्टर वाला पूरा भाई आएगा। वीडियो भी कल परसों शूट करना, इसलिए आज ही चलते भाई, शाम का 7 बज रहा है, हसल करते। देखो अभी ऐसा ड्रेस पे ना, वो थोड़ा सा रेनकोट वगैरह पहनो, बारिश होने लगा, क्योंकि उसको लाने जाना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडियो फिर करते हैं रिकॉर्ड एकदम फुल टॉस। मार्केट में देखो हरियाली से फॉर्म चला रहा है स्कूटी, शाम का टाइम है, अरे फोटो मॉडल के पास चल रहा है भाई, क्या कर रहा है ये लड़का, कैसे कैसे चलाता है। मार्केट देखो, मार्केट आसमान कभी भी फट सकता है गाइस, कभी भी। ये चक्कर कितना खतरनाक बादल हो गया यार, जिसे अब फ्लैट पड़ेगा, मार्क तो पानी बहुत तगड़ा बरस देगा यार। ओके सर, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, लेट्स सी यहां पे कौन कौन रहता है भाई। राम राम, जय श्री राम, बैठिए, आइए आइए आइए, वेलकम। और बताइए सब हाल चाल, बढ़िया। राम राम सब सर, हेलो। ओके गाइस, ये चेक करो बूथ, अंदर वहां पे बूथ है, यहां पे बाकी पीसी है, यहां म्यूजिक डायरेक्टर रामाशंकर राय है, इधर देख लीजिए, हाय करिए, हेलो हाय। सो यहीं पे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, पहली बार ये पूरा तौलिया में बना है, फर्स्ट टाइम मतलब करेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग। बहुत जल्दी इस्टेब्लिशमेंट था यहाँ पे, हम लोग को भी बुलाए भी थे, मतलब जिस दिन हुआ था स्थापना यहाँ का। अभी एक लोग गए हैं सिंगर, कितना टाइम लगेगा उनका भैया, 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट, अच्छा ठीक है। आप भी सिंगर हो ना, सिंगर उजाला सहनी के शर्मा रही हैं आप, शर्मा रही हैं। ओके ठीक है बल्टन, हम आपको मिलाते हैं एक सिंगर से जिनका नाम है सिंगर उजाला सानी, अभी आप लोग कुछ देर पहले देखे हो, हाय कर दो मैम इधर। अभी जस्ट हमारी फ्रेंडशिप हुई है, ऐसे करो ये आओ, तो इनसे हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ कोलैब करोगे कि नहीं, कोलैब करोगे कि नहीं, साथ में गाना बनाओगे कि नहीं, कोलैब मतलब नहीं पता क्या। हेलो, कुछ नहीं आता, बस कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या आता है, सिर्फ आता है और कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सांस लेना भी नहीं आता।
खाना खाना नहीं आता तो करोगी ना कोलैब फ्यूचर में? ओके डन, सिंगर उजाला सानी बुक हो गई है, मतलब फ्यूचर के लिए कोलैब कोलैब करने के लिए हम लोग, ठीक है? तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। भोजपुरी गाने में करेंगे कि कैसा? ओके मैम डन। ओके सर आ गए भाई हमारा फाली। यस सर चलते हैं भाई यहाँ पे अभी म्यूजिक म्यूजिक सेंड करते हैं। म्यूजिक बनवाया हूँ मैं केरला से, वहाँ इंडिया और बाकी सीक्रेट नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं भाई, उतरते हैं हम लोग, माइक पे उतरते हैं भाई अपन किसी दिन, मतलब हम दोनों साथ में उतरेंगे है ना, पूरा कोलैबोरेशन सीन क्रैक करने पूरा। चलो भाई यहाँ पे खुल रहा है, उसके बाद मैं माइक पे उतरता हूँ। इस स्टूडियो का सबसे पहला रैपर मैं ही हूँ ना रिकॉर्ड करने वाला। चलिए भाई बहुत अच्छा, बूथ में घुस चुका तेरा भाई, एडिशन बहुत है। मैं सबसे पहले भगवान जी को याद करके उसके बाद गाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? हाय माइक भी बोली आई कैसा लगा? अरे भाई बहुत नर्दी जा रहा है यार, गला फट जा रहा है बहुत बहुत। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? दिखा दूँ आप लोगों को, ये से करो बूथ। गाइस अब आप लोग देखना कैसे मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हसल करना पड़ेगा। रुको हेडफोन लगा लूँ इसमें बीट का आवाज आएगा, बहुत बहुत एनर्जी लगाना है, पसीना पसीना हो गया हूँ। फिर से आइए। यो 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 डिसेंट बॉय, मदेसी लड़का ड्रिल पे भड़का निकाली अब पूरा भड़ास, बूथ में हम आज निकले बेटा तोड़ला हास। लाज टीशर्ट में बना है तोर आजकल, दुश्मनी करे के देख परिणाम, आज निकले बेटा तोड़ला हास। दामी दामी इतना डन करते हैं, इतना हो गया वहां से, आगे वाला इंट्रो, आगे वाला इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद इसके बाद वाला आगे वाला। और सब सही है, बढ़िया लग रहा है ना? सबसे कंप्लीट है यही बाप वाला। हाँ बाप के पैसे कूदत ना आपके नाते, बाप के पैसे कूदत ना, बाप के पैसे कूदत ना आपके नाते, इससे पाप बाप बाप साला पाप निकल जा रहा मेरे मुंह से, पाप कर रहा हूं क्या मैं? ये वॉइस फाइनल कर रहे हैं भाई, 10:30 बज गया रात का, एकदम हालत पंचर, एनर्जी बहुत लगा ना, उसको देखते हैं अभी क्या करते हैं। एडलिप्स भी किया हूँ अभी जाके, तीन लेयर बन गया, एक बीट, एक वोकल, एक एडलिप्स, देखते हैं कैसा साउंडिंग करता है। निकल चुके हैं स्टूडियो से, ये देखो पूरा पानी पानी यहाँ पर, ये पूरा पानी हो गया। नीचे चलते हैं भाई, सो हम खड़ा है नीचे स्कूटी लेके, और माँ का सब मज़ा आ गया भाई, पूरा एकदम भड़ास निकाल दिए, सर में नहीं फटा मेरा भाई, क्योंकि यार अपना जो भड़ास रहता है रैप में निकालते हैं ना सब लोग क्या कलाकार निकालते हैं भाई, हम तो बड़े कलाकार हैं। चलो चलते हैं घर भाई, वो लौंडा खड़ा है वहाँ पे, और अभी मैं ब्लॉक को यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ भाई, इसका लाऊंगा मिक्स मास्टरिंग कराने, पहले यहाँ देख के चलूंगा ना गिर जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, दिल से मोहब्बत पारा।